नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। सांसद डॉक्टर बिसेन ने SEL हॉस्पिटल मलांज खंड के स्वास्थ्य केंद्र बिरसा का निरीक्षण कर लिया। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद व पूर्व वित्त विभागीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कल 25 मई को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हॉस्पिटल मलांज खंड का निरीक्षण कर SEL के अधिकारियों को निर्देशित कर शीघ्रता से ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने एवं अस्थायी ऑक्सीजन बेड 30 तैयार कर कोविड सेंटर बनाया जाए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा का निरीक्षण कर 50 अस्थायी ऑक्सीजन बेड एवं नवीन डिजिटल एक्सरे मशीन हेतु BMO बिरसा एवं अनुविभागीय अधिकारी को बिरसा क्षेत्र के जनमानस के स्वास्थ्य की उपयोगिता के लिए दुरुस्त चिकित्सा व्यवस्था का नितांत आवश्यक है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए। उठाता रहा हूँ, बीच में हमारी सरकार आई थी 15 महीने के लिए, जो सरकार आई थी 1.5 साल की, उसमें मैंने 5 डॉक्टरों की पोस्टिंग कराया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो डॉक्टर, एक भी डॉक्टर ने ज्वाइनिंग नहीं किया, तो ये समस्या बनी हुई है। और अभी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में माननीय मंत्री जी जो हमारे प्रभारी हैं अभी प्रोविंस के, उनको भी मैंने इस बात को अवगत कराया हूँ कि कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे डॉक्टरों की पूर्ति हो सके, तो वो लगातार मेरे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। आज की मुख्य बैठक, आज की बैठक का मतलब ये था, क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो कोविड का क्राइसिस हुआ था, सेकंड लहर तो समाप्ति की ओर है, तीसरी लहर जैसा कि वैज्ञानिक लोग और एक्सपर्ट लोग जैसा बोल रहे हैं कि तीसरी लहर की भी संभावना है, तो उस तीसरी लहर के लिए हम क्या चिकित्सीय व्यवस्थाएं बेहतर कर सकें, तीसरा वेव ना आए उसके लिए हम वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ा सकें, लोगों में मास्क है, सोशल से मुक्त रखना है, इस दृष्टि से हर एक गांव तक ये मैसेज जाए कि जो हमारी आपदा प्रबंधन कमेटी जो जिला पंचायत की है, जो जनपद पंचायत की है, उसके नीचे ग्राम पंचायत की है, तो ग्राम पंचायत की कमेटी अपने गांव में बीमारी को ना फैलने दे, इस दृष्टि से वो सारे उपाय करे जिसके कारण से बीमारी जिस तरह से हमने बयान कर रखी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छे से लग रहा है। नहीं, आज मैं सबसे पहले मैं आज पहियर का मेरे हॉस्पिटल देखा, जहाँ पर वहाँ पर भी हम सारे बेड हमारी बन जाए। दूसरा इसके बाद SEL का देखा, जहाँ पर हम एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का उसमें सारी चर्चा होगी, जो हमारे वो उसका एक सिंगल व्यक्ति का ना है अभी हमको उसका कोटेशन, तो वो भी हम अगस्त महीने तक उसको पूरा कर रहे हैं, दृष्टि से उसको भी कर रहे हैं। वहाँ पर भी लगभग हम 30 बेड संचारित करें और यहाँ कम से कम 50 बेड बिरसा में करें। इसके अलावा जो मैंने आज निरीक्षण के दौरान पाया कि बिल्डिंग की हमारे पास कमी है, और क्योंकि हमारा दूरस्थ क्षेत्र है, बालाघाट से बहुत दूर पड़ता है।